असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे आज एक नई रेसिपी और रेसिपी क्या कि इस मौसम की सबसे बड़ी सौगात अचार के साथ में हासिर हूँ और अचार आपको पता है कि जब गर्मियाँ आती हैं और ये बरसात का सीज़न आता है तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं अपने घरों में अपने दिन के खाने में इस्पेशली इसको बहुत खाया जाता है सो so, जैसे ही अचार का सीज़न आया मैंने भी घर में अचार डाला और आई थॉट कि मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं कि कैसे मैं अचार डालती हूं और ये इसकी सारी मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे इन आपका अचार ख़राब नहीं होगा और आप कई टाइम तक एक लंबे अरसे तक इसको बिल्कुल ये सेफ रहेगा और काफिले इस्तेमाल रहेगा आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलें जिससे कि आपका अचार ख़राब नहीं हो और बहुत अच्छा भी और बहुत अच्छा टेस्ट और कलर बेस का रहे सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चलें बिस्मिल्लाह करते हैं सो so, सबसे पहले आपने कैरी लेने हैं मैंने तकरीबन चार से पाँच किलो कैरी लिए हैं आपने अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटीज को चेंज आप कर सकते हैं कैरी को आपने बहुत अच्छे से सबसे पहले इसको वॉश करना है सो so वॉश करने के बाद हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है कटिंग के लिए एक तो जहाँ से आप इसको बाय करते हैं वहीं पे इनको काट के भी देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सो so अगर आपने काट के लेना है तो आप ऐसे ले लें इसके लिए एक प्रॉपर टूल होता है जिसको आई येस शिकंजा कहते हैं अगर तो वो है आपके पास तो फिर तो ये काटना बहुत ईजी है मेरे पास वो नहीं था सो so मैंने इसको इस तरह से काटा है सो so आपने इसकी शेप को देख लेना है कि जो आप शेप रखना चाहते हैं उस शेप में आप इनको जैसे आम के आप चार अगर बड़ा साइज़ है तो आठ पीसीस कर सकते हैं सो so आपने पीसीस को इसके अकॉर्डिंग रखना है बहुत बड़े पीसीस ना रखें लेकिन बहुत छोटा भी आपने उसको नहीं करना है अब ये सारे कट के हैं आम इसके पीसीस अब हमने इसकी जो है घुटियाँ निकाल लेनी है इसको प्रॉपर हमने सारे के सारे पीसीस को साफ़ कर लेना है इस तरह आपने साफ़ करते जाना है जब ये भी प्रोसेस आपका हो जाए तो आपने इसको वॉश करना है अभी मैंने इसको आप वॉश करके रखा है किसी भी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका सारा का सारा पानी निकल जाए जब ये पानी खुश हो जाए इसमें तो आपने किसी बड़े बर्तन में इनको निकाल लेना है अब हम इसमें जो है सॉल्ट ऐड करेंगे तो मैंने इसमें फ़ोर टेबल स्पून के इक्वल सॉल्ट ऐड किया है और फिर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे जो कि तकरीबन मैंने थ्री टेबल स्पून के इक्वल इसमें ऐड किया है अच्छा अगर अभी आप सॉल्ट को ज़्यादा ऐड करेंगे तो जब बाद में हम इसका मसाला बनाएंगे उसमें आप सॉल्ट को कम करेंगे और हल्दी को भी अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है थ्री फोर टू फाइव टेबल स्पून इसमें सॉल्ट है और थ्री टेबल स्पूंस जो है इसमें हल्दी है आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करना है अच्छा कोशिश करें कि अचार बनाते वक्त उसको डायरेक्ट अपना हाथ कम ही लगाएं तो जैसे मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह इसको आप मिक्स करते दे जाएँ और जब ये सारा इसमें अप्लाई हो जाए जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉपरली इस पर यह अप्लाई हो चुका है अभी हम ये नमक और हल्दी लगे आम एक कंटेनर में डाल लेंगे और इसको मैं तकरीबन एक दिन के लिए काउंटर पे आप इसको छोड़ दें पूरा एक दिन के लिए अगर आपने सख्त वाला अचार बनाना है तो आप इसको दो से तीन घंटे के लिए हल्दी और नमक लगा के रखें और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको एक दिन के लिए इसी तरह काउंटर पे छोड़ रही हूँ और एक दिन के बाद जब आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा पानी जमा हुआ हुआ है यही पानी आपने निकालना होता है इसी से अचार ख़राब होता है अगर आपने ये पानी अच्छे से निकाल लिया तो इन आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा अब मैंने इसको अगेन एक स्ट्रेनर में डाल लिया है सो so दैट इसका एक्सेस वाटर सारा निकल जाए जो आपने एक्स्ट्रा सारा पानी है इसका निकाल लेना है और कोशिश अब आपने ये करनी है कि जितना भी ये ड्राई हो सके मीन इसको आपने ज़्यादा टाइम के लिए या स्ट्रेनर पे रखें या आप इसको किसी खुले आ, कपड़े पे भी छा लें इस तरह आपने इसको बिल्कुल खुश्क होने देना है वो खुश्क हो रहे हैं मीन ऑयल मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ तकरीबन ये दो किलो है और इसको हमने थोड़ा सा गरम करना है ठीक है इसको हीट देनी है इस पर हल्का सा बस जैसे ही धुआं आ जाए तो आपने इसको बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे कर देना है अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है स्पाइसेस इसमें हम ले रहे हैं फाइव टेबल स्पून सौंफ फाइव टेबल स्पून में इसमें मेथी दाना ले रही हूँ और तकरीबन थ्री टेबल स्पूंस राई दाना है ये दोनों मिक्स हैं इसके बाद हम लेंगे ज़ीरा ज़ीरा जो है वो टू टेबल स्पूंस हम ले रहे हैं और सूखा धनिया ये भी फ़ाइव टेबल हैं अजवाइन में ले रही हूँ ये तकरीबन टू टेबल हैं और इसके साथ हम ले रहे हैं साबुत काली मिर्च ये तकरीबन एक ही टेबल स्पून है इन सारे स्पाइसेस को आपने किसी भी पैन में डाल के आपने ड्राई रोस्ट करना है और इस वक्त तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये खुशबू इनकी आना स्टार्ट हो जाए जैसे इनकी खुशबू आएगी तो आपने इसको फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इनको भी ठंडा होने देना है और इसके बाद इनको आपने ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड आपने इस तरह नहीं करना कि ये बिल्कुल पाउडर हो जाए सो तो आपने एक दर दरा सा मसाला रखना है आम भी अब ड्राई हो चुके हैं हमने इतना इनको ड्राई कर लिया है कि बिल्कुल इसमें से मॉइस्चर अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अब हम इसको अगेन एक खुले से बर्तन में डालेंगे क्योंकि जब आप मसाले डालेंगे तो आपको एक खुला बर्तन चाहिए ताकि सारे मसाले प्रॉपरली इसके अप्लाई हो सकें सारे आम के साथ सो हमने एक खुले बर्तन में इसको डाल लेना है सो अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे दड़ा मिर्च है ये फ़ाइव टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट इसमें मैं वन टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है अच्छा याद रहे कि सॉल्ट आपने सिंपल वाला ऐड करना है ये आयोडीन वाला नहीं करना है ना स्टार्ट में और ना अभी हल्दी भी जो है वन टी में ऐड कर रही हूँ ऑलरेडी ऐड है और कलौजी जो है वो टू टेबल स्पून ऐड की है अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही फिर हमने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड करना है ताकि मसाला बहुत अच्छे से इस पर अप्लाई हो जाए थोड़ा सा क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे क्योंकि बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे सो अब आपने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले बहुत अच्छे से इसको सारे अचार को लग जाएँ और इसके बाद हम जो है इसके नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं मसाले अब बहुत अच्छे से इसको लग चुके हैं आप देख सकते हैं अब हम कंटेनर लेंगे जिसमें कि आपने अचार डालना है उसी में अब आप इनको सारे मसाला लगे आम को ऐड कर लें इसी में क्योंकि अब हमने अचार डालना है तो डायरेक्ट आपने उसी वाले पॉट में इसको डाल लेना है अगर मट्टी का मर्तबान है तो वो ले लें प्लास्टिक है वो ले लें मट्टी वाले में ज़्यादा अच्छा है होता है लेकिन मैं इसको इसी कंटेनर में डाल रही हूँ अब जो मसाले भी नीचे रह गए वो भी हमने इसके ऊपर फैला दिए और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप जो कि है ऑयल ऐड करना हम इसमें सरसों का तेल जो कि हमने ठंडा करके रखा हुआ था वो टू के जी हम इसमें ऐड कर रहे हैं आ, आप ये देख सकते हैं कि अभी ये आपको कम लगेगा लेकिन क्योंकि ये कुछ दिन जब ये गलना शुरू हो जाएगा अचार और कुछ दिन पड़ा रहेगा तो ये ऑयल जो है खुद से ऊपर आना शुरू हो जाता है सो so, अभी के लिए हम इतना ही ऑयल ऐड करेंगे जब डेली बेसिस पे हम इसको देखेंगे और अगर ऑयल ऊपर आ, अच्छी क्वांटिटी में नहीं आया तो आप बाद में ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं बट ये ऑयल ऊपर आ जाता है इसके सरफेस पे ऑयल होना ज़रूरी है अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा इसको फंगस वगैरह लग जाता है सो अपने ऑयल के को देख लेना है अब आपने क्या करना है कि इसको काउंटर पे रखते हैं या जहाँ आप रखना चाहते हैं रखें और इसको डेली की बेसिस पे किसी साफ़ खुश्क चम्मच से हिलाएँ वुडन अगर स्पून है तो ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन वो खुश्क होना चाहिए जो भी स्पून आप यूज़ करें और सेकेंडली इसको आपने धूप में नहीं रखना ये गर्मियाँ हैं इसमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है धूप की धूप से इसका कलर ख़राब हो जाएगा अक्सर लोग ये गलती करते हैं वो धूप में रखते हैं इससे उसका कलर ख़राब हो जाता है सो आपने धूप में नहीं रखना है ये चार तकरीबन अब बारह से पंद्रह दिनों में इन रेडी हो जाएगा खाने के काबिल हो जाएगा आ, ये मैं आपको दूसरे की ती, तीसरे दिन का आई गेस आपको क्लिप दिखा रही हूँ इसमें देखें ऑयल भी ऊपर आ रहा है इसका कलर देखें माशा कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी माशा उतना ही अच्छा दे जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह अगर आपने भी इसी तरह अचार डाला तो ये ख़राब नहीं होगा इसको जाला नहीं लगेगा फंगस नहीं लगेगी और ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा सो so, नमक इसमें एक प्रिज़र्वेटिव है इसके अलावा आपने जिस बर्तन में डालना है वो खुश्क होना चाहिए अचार का पानी निकला हुआ होना चाहिए और उसको निकालने के बाद उसको खुश करें इसके अलावा आपने स्पून जब भी यूज़ करना है वो खुश्क होना चाहिए उसको पानी नहीं होना चाहिए और आपका अचार इनशाला बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा ये था मेरा तरीका अचार डालने का इनशाला इस तरह अचार डालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके माशाल्लाह कितना अच्छा अचार बन के रेडी हो चुका है दुआओं में मुझे याद रखिएगा उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ में इनशाला फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़